सर्दी का मौसम आते ही सबका मन तहरी खाने का होने लगता है क्योंकि मटर का सीजन चलने लगता है गोभी भी आ जाती है तो आज हम आपको स्वादिष्ट चटपटी तहरी बनाना सिखाएंगे इसमें हम डालेंगे गोभी तो यहां पर मैंने एक फूल ले लिया है गोभी का और दो प्याज लेंगे हम दो आलू लेंगे और चार से पांच हम हरी मिर्च लेंगे एक टमाटर लेंगे इन्हीं सभी सामग्रियों से ही हम तेहड़ी को बनाएंगे यहाँ पर हम आधा किलो के करीब चावल लेंगे चावल हम नॉर्मल ही लेंगे तो गोभी को हम छोटा छोटा काट लेंगे आलू भी हम चौकोर काट लेंगे और हरी मिर्च को हम दो टुकड़ों में काट लेंगे ये सारा मटेरियल हम काट कर रेडी कर लेंगे तो देख सकते हैं आप प्याज भी मेरा कट गया है गोभी भी कट गई है और अब हम मसाले तैयार करेंगे तो यहाँ पर हम नॉर्मल मसाले ही डालेंगे जो मसाले हम सब्जी में डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम लेंगे गरम मसाला और यहाँ पर हम डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और ये मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं और यही मसाले हम डालकर तेहड़ी बनाएंगे आधा किलो चावल हमने ले लिया है और इसको अभी हमने साफ नहीं किया है अभी हम इसको साफ करेंगे धुलेंगे और उसके बाद हम तेहड़ी बनाना शुरू करेंगे इसको हम 10 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे ये जो चावल हैं इनको हम 10 मिनट के लिए भिगो देंगे कुछ खड़े मसाले भी हमें लेने होंगे तो दो तेज पत्ता हमने ले लिया है एक इलायची ली है बड़ी दो छोटी इलायची दो लौंग चार से पांच काले मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा अब हम गैस को ऑन कर देंगे गैस पर कुकर रखेंगे तेल को गरम होने देंगे तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और खड़े मसाले जब तक पक रहे हैं तब तक, तक हम इनका वेट करते हैं पकने के बाद हम इसी में प्याज डाल देंगे कटा हुआ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना शेयर करना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो ये हरी मिर्ची हमने दो टुकड़ों में काटी थी इसको भी हम डाल देंगे और अब हम कटा हुआ प्याज भी तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसी में टमाटर भी ऐड कर देंगे दोस्तों ये तहड़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है जब आपका खाना बनाने का मन ना करे तो आप इस तहड़ी को जरूर ट्राई करिएगा ये बहुत स्वादिष्ट लगती है इसमें हमने सब्जी भी डाल दी है और चावल से हम बना रहे हैं तो ये बढ़िया सब्जी चावल की तरह ही लगती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यहाँ पर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे टमाटर को भी हमने फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले मसाले को हम गीला नहीं करेंगे ऐसे ही हम मसालों को डालेंगे और मसाले को हम धीरे में आँच पे पकाएंगे कम से कम पाँच से छह मिनट हम इन मसालों को खूब अच्छे से पकाएंगे जब ये मसाले हमारे पक जाएंगे तब हम इसी में चावल गोभी और आलू को डालकर भी फ्राई करेंगे दोस्तों अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी डाल सकते हैं यहाँ पर सोयाबीन भी डाल करके आप इस तहरी को बना सकते हैं ये बहुत टेस्टी बनती है तो मेरे पास ना तो मटर है अभी ना तो सोयाबीन है गोभी और आलू से ही हम इस तहरी को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने चावल डाल दिए हैं और चावल को भी हम भूनेंगे और साथ में हम जो कटी हुई सब्जियां हैं उनको भी हम भून लेंगे दो से तीन सब्जियों को भुनेंगे चावल को भुनेंगे खूब अच्छे से हमें भूनना है चावल को बहुत ज्यादा देर तक भिगो कर ना नहीं तो ये चलाने पे टूटने लगते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं तीन से चार मिनट ही इन चावलों को आप भिगो कर रखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां भी डाल दी हैं और इन सब्जियों को हम अच्छे से चला देंगे चलाने के बाद हम इसमें दो ग्लास पानी डालेंगे दो ग्लास हमारा जो ग्लास है वो ढाई सौ एम का ग्लास है और हम दो ग्लास पानी डाल देंगे इसमें और ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये गोभी है हमारी ये गीली हो जाएगी सब्जी ऐसे भी तो हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो गोभी भी, भी गलेगी और गोभी से भी पानी निकलेगा तो इसलिए पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है अगर गोभी डालें तो पानी थोड़ा सा कम डालना है आपको और दोस्तों अभी तक हमने नमक नहीं डाला है हम नमक डालना भूल गए हैं जब टमाटर डालते हैं उसी टाइम पे नमक भी डाल दिया जाता है तो यहाँ पर हम नमक डालना भूल गए हैं तो इसलिए हम अब बाद में नमक ऐड करेंगे तो नमक आप पहले ही डालिए तो हम बाद में डाल रहे हैं और नमक डालकर हम इस कुकर पे ढक्कन लगा देंगे नमक डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि नमक हमारा पूरे में अच्छे से मिक्स हो सके भूलने की वजह से हमको ये काम दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि हम ज़्यादा चावल को चलाना नहीं चाहते नहीं तो ये चावल हमारे टूट जाएंगे लेकिन नमक नहीं डाला है तो हम दोबारा से इसको चला देंगे और चलाने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे ढक्कन लगाने के बाद हम एक सीटी आने का इंतजार करेंगे जब एक सीटी आ जाएगी तो हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि एक सीटी में ही हमारा जो ये चावल है पक जाएगा हमारी तहड़ी बनकर रेडी हो जाएगी तो देख सकते हैं आप लोग सीटी आ चुकी है ये तहड़ी हमारी बनकर रेडी है अब हम गैस को बंद कर देंगे प्रेशर निकलने का इंतजार करेंगे प्रेशर निकलने के बाद हम ढक्कन को उठाएंगे और देखते हैं कि हमारी तहड़ी कैसी बनकर तैयार हुई है तो आप लोग देख सकते हैं कि तहड़ी हमारी बनकर तैयार है हमने गोभी के थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े काटे थे इसीलिए हमने बड़े टुकड़े काटे थे की ये जो टहड़ी है इसमें हमारी गोभी दिखे तो देख सकते हैं आप लोग ये फूल हमारा पूरा दिखाई दे रहा है अगर हम छोटा छोटा काटते तो ये गोभी हमको पता ही नहीं चलती कि कहाँ है अब भी अगर तेहड़ी में गोभी डाल रहे हैं तो आप गोभी का पीस थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटें ताकि आपको गोभी दिखाई पड़े तो इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब टेस्टी सी अलग अलग दाने वाली तहड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है आप इसको चाहे तो अचार के साथ दही के साथ चटनी के साथ अगर कुछ ना हो तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगती है रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में